सीधा ड्यूटी अपन स्टॉप कर दिए, बस 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 बोल दिया भाई, अब बस दिमाग खराब हो गया एकदम। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्विगी राइडर आजाद। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से हैं, मैं भी अच्छा हूं। जैसे कि आज है 11th of June 2022 सैटरडे, और आज अपन जो है कि लॉग इन करेंगे 11 बजने वाले हैं, और देखेंगे जो है कि अपने को कितने ऑर्डर होते हैं। आज जो है कि एक 1600 रुपये की अर्निंग है, और एक जो कि 2500 रुपये की अर्निंग है, जो कि 33 ऑर्डर्स करना पड़ता 2500 को, वो तो मुश्किल दिख रहा है मेरे को, मगर जो कि अपन 1600 के रास्ते जो कि एक 25 ऑर्डर्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो अपना वीडियो को लास्ट तक देखिए, अगर पसंद आए तो भाई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, पुराने भी अगर नहीं करके रखे तो भाई कर लो, कुछ भी नहीं जा रहा। और ज़रा क्या है, गाड़ी का ऑयल चेंज कराना है अपने को, 15 दिन हो गया और जो है कि अपनी गाड़ी 2500 किलोमीटर चल चुकी, तो अपन पहले जाके मैकेनिक का ऑयल चेंज करा लेंगे और थोड़े ब्रेक वगैरह टाइट करा लेंगे। तो चलिए आइए। इतनी जल्दी ख़राब हो गया? 2500 किलोमीटर चली, 2500, और 15 दिन हुए, हर 15 दिन को ऑयल चेंज करा लेना। खुश है? तो भाई 11 बजे से अपन लॉगिन है, और अब तक जो है कि ऑर्डर नहीं डाल रहा। देखो टाइम हो रहा है 11:48, इंजन ऑयल जो है कि चेंज करा लिए अपन, काला हो गया था, ज़रूरी है भाई इंजन को जो है अच्छा रखना। बल्कि वैसे भी अपनी गाड़ी जो है कि करीब 1,00,000 किलोमीटर चल चुकी, तो ज़रा मेंटेन करके रखना पड़ता गाड़ी चलाना है। तो भाई अपन आके यहाँ इंस्टामार्ट करने बैठे हुए थे, और देखो अपने को ऑर्डर डाल रहा है, ये पहला ही ऑर्डर जो है कि लॉन्ग डिस्टेंस का दे रहा, जो कि ले लेके जाना है अपने को माधापुर बोराबंडा के पास। आप क्या करेंगे भाई, समझ में नहीं आ रहा, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा, पहला ही ऑर्डर है। A few minutes later. तो भाई अपन पहला ऑर्डर जो है कि रिजेक्ट मारे, और देखो दूसरा ऑर्डर डाल रहा है अपने को 98 रुपीज़ का, जो कि ले लेके जाना है मणिकुंडा। अब आप बोलिए इन्हें कैसा सता रहा, देखो आप ला भाई खुद ही देखो, मेरे को क्या बोलूँ मैं अभी भाई, रिजेक्ट मार दिया मैं, कब कैसा भी करके करना ही पड़ता, कहाँ का भी रहने दो, कल लेना पड़ता। तो बहरहाल कंफर्म कर देंगे, अपन जाएंगे मणिकुंडा जो कि दे दे के आएंगे ऑर्डर दिए, और यहाँ सर्विस से ऑर्डर डाला, जो कि अपन आ गए यहाँ पिकअप करने के वास्ते। 4813, एक मटन रेगुलर, 2 चिकन, 1 चिकन दम बिरयानी। नहीं आया अभी तो पिकअप मार लिए भाई अपन ऑर्डर ये, और देखेंगे जो है कि वहाँ से आते आते कितना टाइम होता अपने को। अभी तो जो है कि टाइम हो रहा जैसा कि 12:07 हो रहा है, और ये नेविगेशन में 26 मिनट्स बता रहा, जो कि कितना किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर है पूरे। तो चलिए आइए चल के डिलीवर करेंगे, देखेंगे जो है कि लास्ट तक कितनी अर्निंग होती, कितनी गाड़ी चलती, कितने का पेट्रोल डलाते, हर एक चीज़ बतलाने वाला हूँ। तो अभी देखिए अपना पहले ऑर्डर में जो है कि मेरी गाड़ी चली हुई है 796, जो कि अपन घर से निकलते वक्त 790 पे था मीटर। थैंक यू। तो भाई अपने यहाँ पे ऑर्डर तो डिलीवर कर दिए, और देखिए जो है कि टाइम हो रहा जैसा कि 12:30 बज रहे हैं। बाइक की फ़ोटो पूछ रहा है इन्हें, बाइक की फ़ोटो ले लेंगे अपन। अब यहाँ से क्या है, अपने को खाली जाना पड़ता, और खाली जाने के रास्ते भी जो है कि 1.5 घंटा लगेगा अपने को। और भाई जो कड़क धूप है ना भाई, आज आम को चुभे सर का एकदम धूप है भाई, आज तो हालत ख़राब हो जा रही। पहले ही ऑर्डर में जो है कि इतना पसीना आ गया कि पूरी टी शर्ट भीग गई मेरी, चुरखे लग रहे धूप में। थैंक यू सर। तो भाई शाम के बज चुके हैं 4:45, और अपन जो है कि ऑर्डर डाला मेरे को यहाँ महफिल से, मगर अपन खाना खा लेंगे पहले तो, और खाना खाया बाद जो है कि बतला दूँ मैं आप लोगों को कितने ऑर्डर करा मैं अभी। तो ये क्या है, ये है आलू की भुजिया, ये है दाल, और ये है चावल। तो खाना अपन खा लेंगे फटाफट, ऑर्डर करना है। बता दूँ मैं जो कि आप लोगों को अभी तक कितने ऑर्डर हुए मेरे, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा सुबह से, मन कर रहा था कि भाई ड्यूटी बंद करके भाग जाऊँ बोल के, मगर मजबूरी है, काम कर लेना पड़ रहा मेरे को।
तो भाई खाना पीना खा के तो हो गया अपना, अपन आ गया महफिल करने, पिकअप करने के आज से। और देखिए जो कि अब तक अपनी गाड़ी चल चुकी है 854 हो गया, घर से निकलते वक्त 790 पे था, तो समझो एक 70 किलोमीटर, भाई 65 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी। और देखिए जो कि अब तक कितने ऑर्डर करे अपन, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, ये 11वां ऑर्डर है। टाइम हो रहा देखिए पूरे 5 बज रहे हैं, तो पिकअप मार लिए अपन ऑर्डर, और देना है ये कारवान में। अब बह भाई जो ट्रैफिक रहती ना वो जोन पे, कारवान, मेदीपट्टनम, गुड़ी मलकापुर, ये जो रहता है ना भाई, आखिरी दिमाग ख़राब करने की ट्रैफिक रहती उधर। और क्या है बोले तो, सुबह से जो इन्हें आर्डर मेरे को फिराया ना भाई, पहला ऑर्डर रिजेक्ट मारा मैं अपना, देखे दूसरा ऑर्डर लंबा डाला, फिर तीसरा ऑर्डर भी लंबा डाला, चौथा जो दिया वो एक नॉर्मल दिया, फिर उसके बाद जो कि एक लंबा भिजा दिया। तो ऐसा दिया बोल के मैं अब तक जो है कि 10-10 ऑर्डर हुए, नहीं तो 5 बजे तक जो है ना, 11 बजे से लेके भाई कम से कम एक 20 ऑर्डर तो हो जाना चाहिए, 15 से 20 के बीच में ऑर्डर रहते थे। मगर देखो 11 बजे लॉग इन करे अपन, तो 11 से लेके 12 के बीच में भाई एक भी ऑर्डर नहीं डाला इन्हें, 12 बजे डाला पहला ऑर्डर। थैंक यू। तो भाई फाइनली अपन यहाँ पे आ गए ले लेके ऑर्डर, और ये डिलीवर कर दिए अपन यहाँ पे, 562 कैश ऑन डिलीवरी था ये। और देखिए टाइम हो रहा, जैसा कि अपने को यहाँ लाने में आधा घंटा लगा, अब यहाँ से जाने में भी आधा घंटा लगता। मैं अभी जो है कि माइलेज टेस्ट कर रहा, मैं इंजन डाल लेना अपन, तो मैं एक आधा लीटर जो है कि बॉटल में डाल के टेस्ट कर रहा मैं माइलेज, तो आधा लीटर में जो है कि 17 आ रहा, 17 किलोमीटर चली, तो मतलब 1 किलोमीटर में 34 किलोमीटर, मतलब कि भाई माइलेज और कम हो गया। देखो अपन जब सर्विस कराने से पहले 40 था, तो अपन सर्विस कराए तो जो है कि 45 देने लगी थी, 46, 45, फिर आप जो है कि अब टेस्ट करा तो कितना आ रहा, 34 आ रहा। भाई ये क्या तो भी हो रहा मेरे साथ, समझ में नहीं आ रहा, मेरे को आखिरी गुस्सा आ रहा खाली गाड़ी पे भी और ये स्विगी वालों पर भी। सुबह से जो है कि अब तक 11 ही ऑर्डर हुए, देखो मेरे 11 बजे से अब तक जो है कि भाई देखो शाम के 6 बजने वाले हैं, 11 ऑर्डर हुए, तो 25 और 35 कब होते ऐसा दिए तो ऑर्डर। इसके लिए जो है ना भाई मेरा दिमाग ख़राब हो गया, और अब जो है कि मैं सीधा ड्यूटी स्टॉप कर दे रहा हूँ, देखो सीधा ड्यूटी अपन स्टॉप कर दिए, बस 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 बोल दिया भाई, अब बस दिमाग ख़राब हो गया एकदम। अब क्या है बोले तो भाई स्विगी जोमेटो में भाई कुछ भी काम करने का दिल नहीं कर रहा मेरा, अब गाड़ी सही नहीं तो फिर क्या करेंगे भाई, हाथ में पैसे भी नहीं है कि मैं गाड़ी दूसरी खरीदूँ बोल के, सेकेंड हैंड भी गाड़ी खरीदने के वास्ते पैसे नहीं है मेरे पास। जब क्या होता मालूम है, क्या बोलते वो कहावत है देखो, गरीबी में आटा गिल्ला, जब मुश्किल रहती ना जब भी और मुश्किल आ भी आते। और देखो 860 हो गया, घर से निकले थे तो अपन 790 पे था मीटर, 70 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, 70 किलोमीटर को जो है कि अपनी अर्निंग 500 हुई। अब 500 में से जो है कि देखो 70 किलोमीटर को 2 लीटर पेट्रोल चलेंगे, मतलब 220 का कितने बचे, 300-250 रुपये बचे पैसे, उससे ज़्यादा का तो अपन गाड़ी में इंजन ऑयल डाल लिए भाई। अगर गाड़ी ही ख़राब रहेंगी अपनी तो मैं स्विगी और जोमेटो और ये सब फाइट करके फ़ायदा क्या, मतलब ही नहीं रहेगा ना भाई, गाड़ी से ही अपना रिस्क है, रोजी है, गाड़ी ही सही नहीं रहेगी अपना। देखते हो जैसा कि मैं हर एक भाई कौन सा भी सामान गाड़ी का ख़राब हुआ तो फटाफट चेंज करने लगाता हूँ मैं गाड़ी, मेरे को अपने को परफेक्ट होना है अपने को काम के वास्ते। मगर अब देखो माइलेज में ही इन्हें धोखा दे दे रही मेरे को, तो कैसा करेंगे भाई, एक्टिवा 5G होंडा वाले पर, मतलब भाई गाड़ी लेके 2 साल नहीं 4 साल होने को आया, 2 साल नहीं 4 साल होने को आया और 1 लाख किलोमीटर चलने को आई। भाई डिलीवरी की जॉब ऐसी चाहिए कि डेली 200-150 किलोमीटर चले तो वो हो जाता ही, एक साल में 2 साल में जो है कि बहुत लोगों के 1 लाख किलोमीटर हो जाते। मैं तो जो है कि वैकेशन को 2 महीना 1 महीना चले जाता हूँ, फिर जो है कि महीने को 4-6-7-10-10 छुट्टियाँ हो जाते, हफ्ते को 3-3 छुट्टियाँ हो जाते। बहरहाल आप देखो क्या करते हैं बोल के, कल संडे है, कल जाएंगे अपन काम पे, पेट्रोल पिलाएंगे गाड़ी को, पिलाते रहेंगे, थोड़ा पैसे हुए बाद जो है कि इंस्टॉलमेंट पे जो है कि गाड़ी ले लेंगे। वैसे मैं एक्सपल्स लेने वाला था, मगर भाई मैं क्या बोला आप लोगों को, मुश्किल आई ना भाई, चारों तरफ से आती है। अब देखो फ़ोन का EMI चल रहा, अभी जो है कि 5 महीने का 4 महीने का बाकी है फ़ोन का EMI, फिर जो है कि गाड़ी का EMI शुरू हुआ था, अगर मैं लिया तो इंस्टॉलमेंट पे। सेकेंड हैंड गाड़ी लेने का मतलब ये है ना भाई, उसमें भी जो है कि वही काम आ रहे थे। अब भाई लोग गाड़ी कहीं को बेचते अपनी, उसमें कुछ खराबी रहती, कामा निकलते रहते बोल के लोग बेच देते गाड़ी, तो
तो सेकेंड हैंड लेके मतलब नहीं है भाई, नहीं लिए तो सही रहता, प्लेटिना या CT 110X कोई भी 100 CC की 125 CC की गाड़ी ले लिए तो सही रहता। तो भाई नई लिए तो फायदा है भाई, पुरानी लेके भी वही फिर वही काम निकलते रहता, दलाते रहो दलाते रहो। तो बहरहाल अपन जो है कि कल संडे है, कल लॉग इन करेंगे पूरा दिन जो है कि, आज तो सोचा है कि अपन जो है कि 33 ऑर्डर्स कंप्लीट करेंगे। तो भाई लो मुश्किल परेशानी, पूरा दिन खराब। ये मतलब भाई पहला ही ऑर्डर में रिजेक्ट मारा, और क्या ही बोलूं भाई, बस आज के लिए इतना ही। चलो मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए भाई। और भाई प्लीज़ यारो मेरे को सपोर्ट करो, चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए भाई। लाइक करे तो आप लोग क्या होता है, आपके भाई को जो है कि चैनल जो है ना वो यूट्यूब वाला पुश करता, ज़रा लोगों को और भी जो है कि रिकमेंड करेगा, ज़्यादा लाइक रहेंगे। तो भाई प्लीज़ लाइक कीजिए आप ना, और शेयर कीजिए। और भाई और एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि मैं यूट्यूब से जो इनकम आने का मसला है ना भाई, वो अभी रुका हुआ है, वो अभी नहीं आया। मोनेटाइज हो गया चैनल में, आज फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे कि मेरा चैनल मोनेटाइज है। हाँ भाई मोनेटाइज है मेरा चैनल, बस जो है कि पेमेंट रुके हुआ है। जब भी आया था ना, मैं वीडियो बना के डाल देता हूँ भाई, मेरा फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट बोल के। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, बस सपोर्ट बनाए रखिए अपना भाई। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, खुदा हाफिज, मा सलाम। कैमरा लगाया तो सही रहता, सेफ, सही आइडिया है तुम्हारा। कितने में भैया? ये 10,000 का है। 10,000 का।